नेक्स्ट आपका टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन, फीमेल पीरियड बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे जो क्वेश्चन पूछता है वो फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशंस पूछता है। तो मेंस्ट्रुएशंस होता क्या है? तो मेंस्ट्रुएशन जो होती है आपकी, ये फीमेल पीरियड होता है। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि फीमेल पीरियड में होता क्या है कि 5 डेज का जो एक वेजाइनल ब्लीडिंग होती है वीमेंस की, और ये जो ब्लीडिंग्स होती है वो पूरे मंथली जो है आपकी बनती, पूरी मंथली साइकिल होती है, ये एवरी मंथ होती है। और इससे क्या होता है कि जो फीमेल की बॉडी होती है वो प्रिपेयर होती है प्रेगनेंसी के लिए, और ये कंट्रोल होता है बाय द हार्मोन्स आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन्स के थ्रू। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें क्वेश्चंस पूछता है आपका फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो आपके जो मेंस्ट्रुएशन की फिजियोलॉजी वो 3 फेज में होती है। फर्स्ट है आपके डिस्ट्रक्सिव फेज, सेकेंड होती है आपकी फॉलिकुलर फेज, और थर्ड है आपका ल्यूटियल फेज। ठीक है, तो फर्स्ट डिस्ट्रक्टिव फेज में होता क्या है, इसको मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि ये 5 डेज की होती है, फर्स्ट 5 डेज होता है जिसमें कि आपके मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, मतलब वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, उस फेज को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव फेज। फिर नेक्स्ट है आपका फॉलिकुलर फेज। जो फॉलिकुलर फेज होता है आपका, ये कैसे होता है, तो फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, जो आप फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द फर्स्ट डेज ऑफ साइकिल, साइकिल के फर्स्ट डेज में जो है आपके FSH आपके जो होते हैं फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, वो रिलीज होते हैं, और वो क्या करते हैं, वो सेवरल ओवेरियन फॉलिकल को स्टिमुलेट करते हैं, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करते हैं। इसके बाद क्या होता है कि जो फॉलिकल्स होते हैं आपके, वो मैच्योरिटी की तरफ रीच करते हैं, जिसको ग्रेफियन फॉलिकल्स बोलते हैं। इसको ध्यान रखना, ग्रेफियन फॉलिकल्स किसको बोलते हैं, तो जो आपके फॉलिकल्स मैच्योरिटी की तरफ पहुंचते हैं उनको बोलते हैं फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल बोलते हैं। ये आपकी एक्सटेंड होती है फॉर द नेक्स्ट 9 डेज के लिए एक्सटेंड होती है। अराउंड द 14 डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल द ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर एंड रिलीज द ओवा। जैसे ही आपके 14 दिन होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, उस तब क्या होती है, आपकी जो ग्रेफियन फॉलिकल्स होते हैं ये रप्चर होती है, ठीक है, ये क्षतिग्रस्त होती है, और इससे ओवा आपके क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। ओवा का मतलब वही आपके एग। थर्ड फेज है आपका ल्यूटियल फेज, इसको सेक्रेटरी फेज बोलते हैं। इसमें आपका कार्पस ल्यूटियस होता है। कार्पस ल्यूटियस क्या है, ये एक सॉलिड बॉडी फॉर्म होता है जो ओवरी इज एन ओवरी आफ्टर द ओवियम हैज़ बीन रिलीज इन द फैलोपियन ट्यूब। जैसे आपके ओवियम जो है आपके रिलीज होते हैं फैलोपियन ट्यूब में, वैसे ही आपके एक सॉलिड बॉडी फॉर्म्स होते हैं जिसको कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं, ठीक है, और वो भी क्या होते हैं आपके फैलोपियन ट्यूब्स में होते हैं। इस फेज में होते हैं कि इट इज़ द फेज लास्टिंग फॉर द नेक्स्ट 14 डेज। ये 14 डेज की, नेक्स्ट 14 डेज की साइकिल होती है। ड्यूरिंग दिस फेज द इंडोमेट्रियल बिकम थिक एंड वेस्कुलर सो एज टू रिसीव द फर्टिलाइज्ड ओव्यूम। इस फेज में होता क्या, जो आपके इंडोमेट्रियम होते हैं वो आपके थिक हो जाते हैं, ठीक है, एंड वेस्कुलर सो एज रिसीव द फर्टिलाइज्ड ओव्यूम, और वो क्या करते हैं, जो फर्टिलाइज ओव्यूम होते हैं उनको क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। और उसके बाद जो आपका कार्पस ल्यूटियम होता है वो क्या करता है, वो सिक्रेट करता है प्रोजेस्टेरोन को। इसके बाद एक टर्म आता है ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन क्या होता है, तो ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज आपके जो एस्ट्रोजन्स जो होते हैं वो सप्रेस करते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स। तो आपके एस्ट्रोजन क्या करते हैं, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स मतलब LH को क्या करते हैं, प्रोडक्शन को सप्रेस करते हैं फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। अब यहाँ पे आप फिजियोलॉजी में ये पढ़ लीजिए, इसको ध्यान से देखिएगा, जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड की जो एंटीरियर लोब होते हैं उससे आपके हार्मोन्स रिलीज होते हैं FSH और LH। FSH क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH क्या है, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। अब इसके बाद होता क्या है, इस तरीके से देखिए ओव्यूम बनते हैं आपके, ठीक है, इस तरीके से धीरे धीरे ओवरी में आपके ओव्यूम्स बनते हैं, ठीक है, आपके जो राइप फॉलिकुलर है ओव्यूम बन गया आपका, ठीक। फिर उसके बाद कार्पस ल्यूटियम में होता क्या है, आपके जो ओव्यूम है फॉलिकल ये रप्चर होंगे, और रप्चर होने के बाद ये जो है आपके रिलीज होने लगते हैं, और ये आपके इस तरीके से रिलीज होते हैं जिसको मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, वेजाइनल ब्लीडिंग बोलते हैं। अब ये साइकिल देखिए किस तरीके से बनती है, ध्यान से देखिएगा।
ये पहले आपका 0 से 1, 5, 7 और 14 डेज दिखाया गया है। यहाँ पे आपके एस्ट्रोजन्स रिलीज होते हैं, फॉलिकुलर फेज़ है आपका और ये ल्यूटियल फेज़ है, ठीक है। तो फॉलिकुलर फेज़ में देखिए इंडोमेट्रियम आपकी यूज़ होती है, इसमें होता क्या है देखिए 1, 2, 5, 7 ये 14 डेज पे आपका ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाता है। ओव्यूलेशन का मतलब जो है एग का रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपका 0 से जो आपके 14 तक होते हैं इसको बोलते हैं फॉलिकुलर फेज़ बोलते हैं, ठीक है। फॉलिकुलर फेज़ में तो आपको पता ही इसमें होता है कि फॉलिकुलर फेज़ में तो फर्स्ट जो साइकिल के जो है जितने भी ओवेरियन फॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं स्टिमुलेट होते हैं और मैच्योरिटी की तरफ पहुंचते हैं। ये 9 डेज तक एक्सटेंड होता है और जैसे ही अराउंड 14 डेज तक आता है तो फिर क्या होता है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी, ठीक है, 14 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आपके ग्रेफियन फॉलिकल्स होते हैं ये रप्चर हो जाते हैं और रप्चर होने के बाद ये क्या होते हैं ओवा को रिलीज़ करते हैं, मतलब ओवल्यूशन जब होता है 14 डेज पे तो वहाँ पे आपके एग रिलीज़ होने लगते हैं। अब नेक्स्ट आपका ल्यूटियल फेज़ में होता क्या है, ल्यूटियल फेज़ में आपके फेलोपियन ट्यूब से आपका ओवियम होता हुआ ये जो है आपका नेक्स्ट 14 डेज तक जो है और उसके बाद आपका जो क्या होता है फर्टिलाइज्ड ओवियम जो होता है आपका रिलीज़ होने लगता है और यहाँ पे आपका प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट होता है और ये इसके बाद 28 डेज से लेकर के आपके नेक्स्ट 5 डेज तक आपको जो है वेजाइनल ब्लीडिंग होती है। तो ये है आपका फिजियोलॉजी ऑफ द मेंस्ट्रुएशन।